अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज हम करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A72 का फुल डेप्थ रिव्यू। देखेंगे डिवाइस परफॉर्मेंस में कैसी है, डिवाइस कैमरा में कैसी है, डिवाइस डे टू डे यूज़ के अंदर, बैटरी के अंदर, फिंगरप्रिंट सेंसर के अंदर, तमाम यहाँ पे चीज़ें चेक करनी है, स्पेक्स चेक करनी है, ओवरव्यू लेना है और फिर लास्ट में डिसाइड करेंगे। मैं अपना ओपिनियन दूंगा इस डिवाइस के बारे में। अगर आप A72 को बाय करने का इरादा रखते हैं तो कैसे डिवाइस रहेगी परफॉर्मेंस में, डे टू डे यूज़ में, कैमरा रिजल्ट में, गेमिंग के अंदर। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A72 का रिव्यू। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं रिव्यू और सबसे पहले बात करेंगे गैलेक्सी A72 के डिज़ाइन, डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी की। और हमने देखा सैमसंग के जो नया लाइनअप है इसमें डिस्प्ले, डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त बनाई गई है। सैमसंग ने इसको नाम दिया है ऑसम सीरीज़ और वाकई डिस्प्ले, डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी ऑसम है यहाँ पे। ये मेरे पास का वाइट कलर है, बहुत खूबसूरत है डिज़ाइन। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो कैमरा बम मॉड्यूल किए गए हैं इसके साथ, बॉडी के साथ, वो बहुत खूबसूरत है। इसके साथ आपको यहाँ पे छोटा सा शेडो नज़र आ रहा होगा जो कि इसकी खूबसूरती को इजाफा करता है। और डिज़ाइन बहुत प्यारा है, वाइट कलर पे आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट के यहाँ पे निशान भी नहीं पड़ेंगे, स्पंजेस भी नहीं पड़ेंगे, तो वाइट कलर आपको बहुत खूबसूरत लगेगा। इस पर अगर आप चाहें तो प्रोटेक्शन यूज़ करें, चाहें तो ना यूज़ करें, लेकिन इस पर कोई गंदगी नहीं पड़ने वाली या कोई हाथ के निशान नहीं लगने वाले। जो फ्रेम है वो सिल्वर कलर का है जो कि इसके साथ कॉन्ट्रास्ट में बहुत प्यारा लग रहा है। फ्रंट साइड की बात करें तो एक बड़ी स्क्रीन है यहाँ पे, 6.7 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है विद 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट। मैक्सिमम ब्राइटनेस 800 निट्स की है। डिस्प्ले बहुत ब्राइट है, कलरफुल है। यहाँ पे ब्राइटनेस मैंने फुल की हुई है तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त। यहाँ पे वाइट्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और इसके अलावा कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो डिस्प्ले, डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी में डिवाइस बहुत ज़बरदस्त है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी 1080x2400 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन होगा 20:9 के एस्पेक्ट रेशो के साथ और 394 PPI की पिक्सल डेंसिटी हमें मिलेगी। स्क्रीन टू बॉडी रेशो की बात करें तो बेजल्स ना होने के बराबर हैं और चिन का एरिया भी ना होने के बराबर है। एक स्मॉल होल पंच कैमरा सेंटर में लगाया गया है जो कि बहुत छोटा सा है। इसके अलावा वेट की बात करें तो 203 ग्राम इसका वेट है, इतनी भारी भी नहीं है डिवाइस इतनी बड़ी होने के बावजूद भी। और इसके साथ साथ IP67 की यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन भी मिल रही है, यानी डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है डिवाइस। ये हमें तकरीबन फ्लैगशिप डिवाइसेस के अंदर देखने को मिलती थी लेकिन सैमसंग ने यहाँ पे इन डिवाइसेस के अंदर भी इनको इंक्लूड कर दिया है। और तो डिज़ाइन, डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी में मुझे सैमसंग गैलेक्सी A72 बहुत पसंद आई है। बाकी हम चलते हैं कैमराज देख लेते हैं डिवाइस के, कैमराज कैसे होंगे, कैमरा फीचर्स, कैमरा क्वालिटी डिस्कस करते हैं। कैमरा फीचर्स अगर देखें तो यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन ओपन करते ही हमारे पास फोटोज़ का ऑप्शन है जिसके अंदर आपके पास 64 MP का बैक साइड पे कैमरा मिल रहा है, लेकिन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं उसको। आप ओपन करते हैं नॉर्मली तो 3:4 एक्सपेक्ट रेशो होता है। यहाँ पे रेशो चेंज करने आते हैं, 9:6, 1:1 फुल का ऑप्शन भी है और यहीं पर ही आपको 64 MP की हाई रेजोल्यूशन कैप्चर करने का ऑप्शन भी मिल रहा है। इसके अलावा टाइमर है, फ्लैश का ऑप्शन है, ये कुछ फ़िल्टर्स हैं। और अगर यहाँ पे बात करें तो 0.5x अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिल रहा है, 1x है नॉर्मल पे और 3x इसका डिजिटल जूम है। यहाँ पे आपको एक टेलीफोटो कैमरा मिल रहा है 8 MP का जिसमें आपको 3x ऑप्टिकल जूम मिल रहा है जिसको मैंने आपको दिखाया, और इसके अलावा 30x आपको यहाँ पे डिजिटल जूम मिल रहा है। तो यहाँ पे जूम कैसा होगा उसकी क्वालिटी भी चेक करते हैं जाके। बाकी 12 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है जिसमें 123 डिग्री एंगल पे आप पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं विद अपर्चर F2.2 का हमें यहाँ पे फीचर्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा 5 MP का मैक्रो कैमरा मिल रहा है, मैक्रो कैमरा का यहाँ से आप मोड ओपन कर सकते हैं। और माइक्रो कैमरा की मैंने भी एक पिक्चर कैप्चर की है जो कि मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगी। आप 3 cm के डिफरेंस से पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कलर्स और डिटेल्स बिल्कुल मिस नहीं की, सारी डिटेल्स हमें मिल रही हैं, कलर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मैक्रो कैमरे के अलावा यहाँ पे मोर में मज़ीद काफ़ी सारे फीचर्स हैं हमारे पास, जैसे AR डूडल्स का ऑप्शन है, प्रो मोड, पैनोरामा, मैक्रो, सुपर स्लो मोशन भी मिल रहा है, स्लो मोशन भी है और सुपर स्लो मोशन भी है, हाइपरलैप्स का ऑप्शन, प्रो वीडियो, नाइट मोड मिल रहा है, पोर्ट्रेट का ऑप्शन है, फूड का ऑप्शन है। सुपर स्लो मोशन में जाते हैं तो मैंने एक स्लो मोशन की वीडियो भी रिकॉर्ड की है सुपर स्लो मोशन की, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वीडियो चला के, और जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़बरदस्त इसने सुपर स्लो मोशन था इसका। हम यहाँ गैलरी से देखते हैं, ये है सुपर स्लो मोशन की वीडियो, आप देख सकते हैं कितना स्मूथ इसने स्लो मोशन कर दिया है और ये बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है। तो उसके अलावा स्लो मोशन के फीचर भी है, मैं आपको स्लो मोशन भी दिखाता हूँ। ये है हमारे पास इसकी स्लो मोशन की वीडियो,
मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है, सुपर स्लो मोशन में कुछ ज़्यादा स्लो हो गया था और स्लो मोशन के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इसके अलावा मज़ीद कैमरा फीचर्स पे चलते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग का हमें ऑप्शन मिल रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर स्टेबलाइजेशन भी मिलने वाली है, OIS सपोर्ट करती है डिवाइस, यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है जो कि बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पर आपको स्टीडी वीडियो मिलने वाली है, अल्ट्रा HD 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और फुल HD 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। फुल HD पे 60 FPS का ऑप्शन भी हमारे पास आने वाला है, लेकिन मैंने भी डिवाइस को अपडेट नहीं किया, सॉफ्टवेयर अपडेट में इसमें फुल HD प्लस 60 FPS का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर भी अब अल्ट्रा वाइड और 3x ऑप्टिकल जूम यूज़ कर सकते हैं वीडियो के अंदर भी। और अगर हम सिंगल टेक के ऑप्शन पर जाते हैं तो सिंगल टेक के ऑप्शन के बारे में लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, इससे आप एक सिंगल टेक एक दफ़ा कैप्चर करने पर तकरीबन कोई 15 शॉट्स लेता है, जिसके अंदर कुछ वीडियोस होती हैं और कुछ पिक्चर्स होती हैं जो कि डिफरेंट एंगल से डिफरेंट फिल्टर्स को यूज़ करके बनाई ली जाती हैं। जो आपको इसमें बेस्ट लगे आप उसको क्रिएटिविटी के लिए सोशल मीडिया पर यूज़ कर सकते हैं। फ़न का ऑप्शन है, फ़न का ऑप्शन हमने देखा था गैलेक्सी A52 के रिव्यू के अंदर, जिसके अंदर आप मज़ीद अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं जो कि पहले हमें स्नैपचैट पे देखने को मिलते थे, वही फ़िल्टर्स यहाँ पे इंटीग्रेट किए गए हैं। तो स्नैपचैट के फ़िल्टर्स को आप यहाँ पे डायरेक्टली बिल्टन आपको मिलेंगे सैमसंग के कैमरा एप्लीकेशन के अंदर, जैसे आप जिसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं स्नैपचैट के फ़िल्टर्स। और यहाँ पे मोर में जो फीचर्स मिल रहे हैं वो हमने देख लिया, अब हम कुछ पिक्चर्स की क्वालिटी देख लेते हैं। फ्रंट कैमरे की बात करें, सबसे पहले फ्रंट कैमरे पर 32 MP का सेल्फी कैमरा मिल रहा है। ये जो पिक्चर मैंने कैप्चर की है ये नॉर्मल कैमरे से कैप्चर की गई है, इस पर हमने 32 MP ऑप्शन ऑन नहीं किया था। और ये जो पिक्चर है ये हमने वाइड एंगल पर ली है और ये है हमारे पास 32 MP पे पिक्चर कैप्चर की गई फ्रंट कैमरे की। इसके अंदर आप देख सकते हैं जूम करने पे पिक्सल्स नहीं पड़ रहे, काफ़ी सारी डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा हमें मिल रही हैं, कलर्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी है। तो ये 32 MP की सेल्फी है और नॉर्मल सेल्फी पे भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ पे भी पिक्सल्स नहीं फटेंगे, डिटेल्स काफ़ी अच्छी हैं। और इसके साथ साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से कलर्स आपको बहुत अच्छे नज़र आ रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। ये मेरी एक वीडियो रिकॉर्ड की है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कलर्स का बड़ा ज़बरदस्त नज़र आ रहा होगा आपको डिफरेंस, बहुत प्यारे कलर्स हैं, डिटेल्स काफ़ी अच्छी कैप्चर की हैं, लाइटनिंग काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा एक पिक्चर आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे डेप्थ सेंसर की पिक्चर ली गई है, बैकग्राउंड इफेक्ट आप देख सकते हैं, इसके एजेस बहुत ज़बरदस्त हैं, ऑब्जेक्ट को अच्छे तरीके से फोकस किया है और बैकग्राउंड को ब्लर किया है, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बैकग्राउंड ब्लर किया है। एक और शॉट है डेप्थ सेंसर का पोर्ट्रेट मोड का, जिसने बैकग्राउंड बड़े ज़बरदस्त ब्लर किया है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको फोकस किया है। हालांकि इस तरह का ऑब्जेक्ट को फोकस करना मुश्किल होता है, अगर फेस हो तो फिर भी आसानी से फोकस कर लेता है, लेकिन अब जब फ्लावर्स हों उसके साथ साथ इसी तरह के फ्लावर्स हों और पत्ते हों तो मुश्किल होता है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से फोकस किया है सैमसंग गैलेक्सी A72 ने। ये एक पिक्चर है, इसके अंदर आप कलर्स देख सकते हैं, बहुत सारे आपको कलर्स नज़र आएंगे इसके अंदर, और जूम करने पे पिक्सल्स भी नहीं फट रहे, डिटेल भी मिस नहीं हो रही, कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे मैंने एक स्टेबलाइज वीडियो भी रिकॉर्ड की है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल रही है वॉकिंग के वक्त, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि हम यहाँ पे वॉकिंग कर रहे हैं, डिवाइस काफ़ी स्टेबलाइज वीडियो रिकॉर्ड करती है 1080p 60 FPS पे। इसके अलावा डिवाइस में आपको 3x ऑप्टिकल जूम भी मिल रहा है और 30x डिजिटल जूम भी मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने कुछ कैमरे को जूम करके पिक्चर्स ली हैं, ये आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल मोड पे ली गई है 1x पे, ये पिक्चर है 2x पे, फिर एक पिक्चर 5x पे, फिर एक पिक्चर 3x पे ली गई है। तो काफ़ी ज़बरदस्त जूम है, डिटेल्स मिस नहीं गई आपको, काफ़ी अच्छी यहाँ पे 3x ऑप्टिकल जूम पे इमेजेस मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे कैमरा रिजल्ट मुझे बहुत पसंद आया सैमसंग गैलेक्सी A72 का, कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी है, डिटेल्स मिस नहीं कर रहा सारी पिक्चर्स, और पोर्ट्रेट मोड मुझे काफ़ी पसंद आया, एजेस मिस नहीं कर रहा, फोकस बहुत ज़बरदस्त है। तो गैलेक्सी A72 का कैमरा बहुत आउट क्लास होने वाला है। परफॉर्मेंस देख लेते हैं डिवाइस की, परफॉर्मेंस कैसी होगी। स्नैपड्रैगन 720G की चिपसेट यूज़ की गई है, गेमिंग चिपसेट है और काफ़ी ऑप्टिमाइज चिपसेट है, डे टू डे यूज़ के अंदर आपको काफ़ी ज़बरदस्त इसका रिजल्ट मिलने वाला है। और इसके साथ साथ आपको एंडिनो 618 का GPU मिल रहा है, ऑक्टा कोर 2.3 GHz का CPU मिल रहा है। और यहाँ पे वेरिएंट की बात करें तो ये 8GB RAM विद 128GB ROM का वेरिएंट है, और इसके अंदर एक वेरिएंट और भी आता है 8GB RAM विद 256GB ROM। और परफॉर्मेंस कैसी है वो मैंने आपको बताया, डे टू डे यूज़ के अंदर तो बहुत ज़बरदस्त रही, बाकी मैं आपको गेमिंग भी दिखाता हूँ, मैंने कुछ गेमिंग एप्लीकेशन भी इसमें इंस्टॉल की हैं। और इसमें हम सबसे पहले PUBG इंस्टॉल करते हैं, ग्राफिक देख लेते हैं, गेम प्ले देख लेते हैं, साउंड टेस्ट कर लेते हैं कैसा रिजल्ट है। गेम यहाँ पे स्टार्ट हो गई है और साउंड बड़ा ज़बरदस्त है, यहाँ पे डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल रहे हैं, मैंने साउंड फुल किया हुआ है तो मेरे आई थिंक आवाज़ नहीं जा रही होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा गेम प्ले भी कर लेते हैं। तो गेम स्टार्ट हो गई है और साउंड हम कर देते हैं फुल,
लेट्स गो। साउंड क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आई है, साउंड बड़ा जबरदस्त है डिवाइस का, ग्राफिक कलर्स भी मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं, स्मूथ चल रही है बिल्कुल गेम। और इसके अलावा ग्राफिक भी देख लेते हैं, ग्राफिक हमें क्या मिल रही है यहाँ पे। साउंड को पहले थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें बैलेंस पे अल्ट्रा फ्रेम रेट मिल रहा है, स्मूथ पे अल्ट्रा फ्रेम रेट मिल रहा है, बैलेंस पे भी अल्ट्रा फ्रेम रेट मिलेगा, और उसके साथ HD पे हाई फ्रेम रेट मिल रहा है और HDR पे नहीं जा रही डिवाइस। तो ये हमें यहाँ पे सेम एक्सपीरियंस मिल रहा है, सेम फ्रेम रेट्स मिल रहे हैं जो कि गैलेक्सी A52 में मिल रहे थे। यहाँ पे हम स्मूथ पे अल्ट्रा फ्रेम रेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो गेमिंग ग्राफिक, गेमिंग रिजल्ट, और उसके साथ बड़ी स्क्रीन पे खेल रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको टच रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है, 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट होने की वजह से। तो मुझे गेमिंग एक्सपीरियंस में बहुत मज़ा आया, लगे मैं इतना बड़ा कोई गेमर नहीं हूँ, जो गेमर्स होंगे उनके लिए तो ये बेहतरीन डिवाइस होगी। आप लोग बताइएगा आप में से कोई हो जिसने गेमिंग अच्छी की हो उस पर। और बाकी इसके अलावा मेरे पास मज़ीद कॉल ऑफ ड्यूटी भी है, थोड़ा सा कॉल ऑफ ड्यूटी का एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं, ग्राफिक कैसी होती है। कॉल ऑफ ड्यूटी भी स्टार्ट हो गई है और इसका भी एक गेम प्ले कर लेते हैं छोटा सा, ग्राफिक्स वगैरह देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं। अच्छा, साउंड में कर देता हूँ फुल। ग्राफिक, कलर, साउंड बहुत ज़बरदस्त है, जो साउंड क्वालिटी बहुत पसंद आ रही है डिवाइस की। ग्राफिक्स भी देख लेते हैं हमारे पास ग्राफिक्स क्या होती है यहाँ पे। साउंड हमें कम करना पड़ेगा क्योंकि साउंड इतना ज़बरदस्त, इतना तेज़ साउंड है। इसके अलावा हम यहाँ पे ग्राफिक देख लेते हैं, बेसिक में होगा यहाँ पे ऑडियो ग्राफिक। अच्छा, ग्राफिक के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें हाई क्वालिटी मिल रही है, और अगर हम जाते हैं वेरी हाई पे तो वेरी हाई पे भी जा रहा है, और फ्रेम रेट पे जाते हैं तो मैक्सिमम फ्रेम रेट पे जा रहा है, हाई पे, वेरी हाई पे, वेरी हाई। आप यहाँ पे ग्राफिक क्वालिटी हाई सेलेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम फ्रेम रेट पे जाता है, और वेरी हाई सेलेक्ट करते हैं तो वेरी हाई फ्रेम रेट पे जाता है। तो ये मेरे ख्याल से ग्राफिक काफ़ी ज़बरदस्त हैं, और कलर्स बहुत अच्छे हैं, साउंड बहुत अच्छा है, गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी रहेगा, स्मूथ टच है। तो गेमिंग के अंदर मुझे ये डिवाइस बहुत पसंद आई। इसके अलावा सोशल मीडिया यूज़ की बात करें तो डे टू डे इसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहेगा आपको। और सैमसंग का जो UI है वो काफ़ी ऑप्टिमाइज है इसके लिए, और काफ़ी जल्दी एप्लीकेशन ऑन करता है। स्पीड टेस्ट में भी बहुत अच्छी है, इसके अलावा रनिंग के अंदर भी बहुत अच्छी है, गेमिंग के अंदर भी बहुत अच्छी है, और इसके साथ डे टू डे यूज़ के अंदर सोशल मीडिया यूज़र हैं तो ये डिवाइस की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। और जो रिमेनिंग स्पेक्स रह गई हैं हमारे पास वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, और उसके अंदर आपको 25W की फास्ट चार्जिंग भी मिलने वाली है, डिवाइस में सपोर्ट करती है 25W। आपको आउट द बॉक्स 25W का चार्जर भी मिलेगा, तो 25000 mAh की बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी 25W के चार्जर से। और अगर ड्रेन की बात करें तो ड्रेन टेस्ट हम इसका करेंगे भी अलग से, लेकिन अभी मैंने जो अंदाज़ा लगाया है जब से मैंने उसको यूज़ किया है, तकरीबन 1.5 से 2 दिन आराम से ये चार्जिंग डिवाइस निकालेगी, लेकिन नॉर्मल यूज़ पे, मैं गेमिंग की बात नहीं कर रहा। अगर आप ज़्यादा गेमिंग करते हैं तकरीबन 1 दिन इसका 5000 mAh की बैटरी का निकल जाएगा। और अगर यहाँ पर सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त है, सैमसंग सिक्योर करता है नॉक्स के थ्रू, और सैमसंग का ये जो नॉक्स सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। इसके अलावा फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी दी गई है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगाया गया है जिसको मैंने अपने फिंगर इनरोल कर ली है। टेस्ट करते हैं कैसी स्पीड है, थोड़ा सा स्लो लग रहा है मुझे, इसमें भी 1 सेकंड का तकरीबन डिले है। अब ऑफ स्क्रीन पे भी देख कर लेते हैं, ऑफ स्क्रीन पे भी वही टाइम है, 1 सेकंड का इस पर डिले है। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा सा फास्ट होगा, लेकिन हमें सेम वही जो एक्सपीरियंस मिल रहा है जो गैलेक्सी A52 में हमें मिला था,
फिंगरप्रिंट सेंसर सही वर्क कर रहा है लेकिन थोड़ा सा स्लो है, और उसके अलावा फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी मिल रही है, नॉक्स की सिक्योरिटी मिलेगी। तो डिवाइस सिक्योरिटी में बहुत ज़बरदस्त है, बस थोड़ा सा फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम भी देख लेते हैं, और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, सैमसंग का जो UI है 3.1 काफ़ी ऑप्टिमाइज है, जो कि बेस करता है एंड्रॉयड 11 पे, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आ रही है डिवाइस। और One UI मुझे बहुत पसंद आया है। अगर आप किसी और डिवाइस से, किसी और ब्रांड से यहाँ पे कन्वर्ट होते हैं सैमसंग की तरफ, तो आपको वाकई फील होगा सैमसंग का UI बहुत ऑप्टिमाइज है और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो कंक्लूजन करें अगर यहाँ पे हमारे टोटल रिव्यू का, सैमसंग गैलेक्सी A72 प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे इसका डिज़ाइन, डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी टोटल प्रोज वाले सेक्शन में आता है, यानी ये सबसे बेहतरीन है। ऑसम बनाया गया है डिज़ाइन, ऑसम डिस्प्ले, ऑसम बिल्ड क्वालिटी, IP67 की रेजिस्टेंट मिल रही है, इसके अलावा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की जनरेशन मिल रही है, प्रोटेक्शन मिलेगी, इसके साथ साथ सुपर एमोलेड 90Hz का रिफ्रेश रेट, तो कलर्स बहुत अच्छे हैं, डिस्प्ले मुझे बहुत पसंद आया, डिज़ाइन चेंज किया है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ब्यूटीफुल बनाया है। इसके अलावा कैमरास की बात करते हैं, वो भी यहाँ पे बहुत आउट क्लास का है, कैमरा रिजल्ट यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, पिक्चर्स क्वालिटी, कलर्स, इसके अलावा वाइब्रेंट डायनेमिक रेंजेस, डिटेल्स वो काफ़ी सारी हैं, बहुत अच्छी हैं, स्टेबलाइजेशन, टेलीफोटो लेंस इसका, अल्ट्रा वाइड ऑप्शन बहुत अच्छे मिल रहे हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे परफॉर्मेंस देखी, बैटरी गेमिंग के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त है, हीटिंग इशू हमें नहीं मिला, कोई लैग नहीं मिला, गेमिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, स्नैपड्रैगन 720G जो कि काफ़ी अच्छी ग्राफिक्स भी प्रोवाइड कर रहा है, गेमिंग रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, डुअल स्टीरियो स्पीकर, साउंड क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आई, जो कि इससे पहले हमें सैमसंग की डिवाइस में नहीं देखने को मिलती थी। इसके अलावा बैटरी भी बड़ी मिल रही है विद 25W फास्ट चार्जिंग, तो ओवरऑल मुझे डिवाइस पसंद आई है। बस थोड़ा सा फिंगरप्रिंट सेंसर जो इन डिस्प्ले है वो स्लो है, लेकिन आप फेस अनलॉक को यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल डिवाइस मुझे बहुत पसंद आई है, इस प्राइस रेंज के अंदर आपको काफ़ी अच्छे स्पेक्स प्रोवाइड कर रही है सैमसंग गैलेक्सी A72। तो आप लोग की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।